बच्चों, आज एक कहानी है एक ऐसे नगर के बारे में जो नगर बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और साफ सुथरा है। तो उसी नगर की जानकारी देता हुआ है आज की कहानी है, और कहानी का नाम है स्वर्ण नगरी। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये कितना सुंदर होगा, तो चलिए आज उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। ज्ञानेंद्र, कल हम लोग स्वर्ण नगरी के दर्शन करने चलेंगे, राम प्रकाश ने अपने मित्र से कहा। हाँ मित्र, मैं भी कई दिनों से वहां जाने की सोच रहा था। अरे वाह, हमारे विचार और कार्य कितने मिलते हैं, तभी तो हम अच्छे मित्र हैं। लेकिन पहले ये बताओ, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो, राम प्रकाश ने ज्ञानेंद्र से पूछा। जब से यह नया राजा आया है, स्वर्ण नगरी सचमुच स्वर्ण की हो गई है। जो भी वहां जाता है उसकी भूरी भूर प्रशंसा करता है। इस नए राजा सोमदत्त ने बहुत ही व्यवहारिक ढंग से इस अव्यवस्थित नगरी को स्वर्ण नगरी बनाया है। वहां के नियम और कानून बहुत कठोर है, फिर भी वहां के नागरिकों को इनसे कोई शिकायत नहीं। हम जानते हैं कि यह नियम और कानून उनकी भलाई के लिए ही है। सच कहा मित्र, मैंने भी वहां की प्रशंसा सुनी है, इसलिए मेरा भी विचार एक बार जाकर देखने का हुआ। दोनों मित्र अपने अपने घर कल की तैयारी के लिए चल पड़े। कुछ समय पहले तक लोग इस स्वर्ण नगरी में जाना भी नहीं चाहते थे। वहां का अराजक माहौल, गंदगी की चर्चा इतनी थी कि लोग वहां जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे। तब यह नगरी नाम की स्वर्ण नगरी थी। इसका मुख्य कारण वहां का शासक था, जो अपने आलसी प्रवृत्ति और अपने में ही मस्त रहने की आदत से इसके पतन का कारण बना। अयाशी और आलस्य, यह दोनों ही व्यक्ति के बहुत बड़े दुश्मन हैं। कौन कौन? आलस्य। और क्या करना कि ऐसी आदत डाल लेता है कि अयाशी, खाम खाम में पड़े रहो और अपने मन का काम करते रहो, तो ये बुरी आदतें हैं। हमें व्यवस्थित तरीके से रहना चाहिए। इनसे सिर्फ व्यक्ति का पतन होता है, बल्कि वह संपूर्ण राष्ट्र ही पतन की ओर चल पड़ता है। समय अनुसार सभी में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के अनुसार जो कदम नहीं उठाता वह पीछे छूट जाता है। यह शासक न कुछ करता था न कुछ कहता था, जो जिस हाल में है वैसा ही चल रहा था, जिससे कार्यकर्ता भ्रष्ट और अराजक हो गए। उनके लिए अब अपना लाभ और आराम ही मुख्य काम हो गया था। समाज कल्याण के कार्य से सब दूर होते चले गए। नतीजा यह हुआ कि यह नगरी अपने पतन की अंतिम सीमा तक पहुंच गई। पर देवयोग से उस राजा का पुत्र सोमदत्त राजा बना, तब उसने इसके विकास की ओर ध्यान दिया। दोनों मित्र जब स्वर्ण नगरी के नजदीक पहुंचे तो उन्हें स्वयं ही लगने लगा कि यहाँ आकर उन्होंने कोई गलती नहीं की। दूर दूर तक फैले हरे वृक्ष, पुष्प और लताएं न सिर्फ मार्ग को सुंदर और आकर्षक बना रहे थे, बल्कि अपने मधुर सुगंध से संपूर्ण वातावरण को महका रहे थे। राम प्रकाश और ज्ञानेंद्र जब इस माहौल का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी नगर का प्रवेश द्वार आ गया। वहां मुस्तैदी से खड़े रक्षकों ने उन्हें रोका, उनके आने का कारण पूछा, रुकने की अवधि आदि के बारे में पूछा। उनका विवरण वहां रखी पुस्तिका में अंकित किया। उन्हें रुकने के लिए तीन चार स्थान बताए गए जो सुविधाजनक और साफ सुथरे थे। दोनों मित्र वहां की इस व्यवस्था से बहुत खुश हुए। नगर की भव्यता और साफ सफाई तथा सुंदर सजावट से वे मंत्रमुग्ध हो गए। वहां अन्य पर्यटकों से भी उन्होंने इसकी चर्चा की, तो लोगों ने बताया, राजा सोमदत्त अन्य राजाओं की तरह नहीं रहते, वह आदमी की तरह रहते हैं। यानी विशेष अवसरों को छोड़कर वे वैसे ही रहते हैं जैसे कि आम जनता रहती है, जिससे यहाँ की जनता उन्हें बहुत चाहती है। वह जनता के लिए नए नए प्रयोग करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें और अधिक सुखी रख सके। किसी दूसरे पर्यटक के साथ चल रहे गाइड ने बताया, यह नगरी ध्वस्त ही होने वाली थी कि इस अवतारी पुरुष ने इसे बचा लिया। राजा सोमदत्त ने जगह जगह सभाएं करके पहले लोगों को अपने व्यक्तिगत साफ सफाई और जरूरत के बारे में बताया, फिर उन्हीं के
इसी तरीके से सार्वजनिक जीवन में लाने की प्रेरणा दी। राजा ने सभी को एक वर्ष का समय दिया, सभी नागरिकों को अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी और कठोर नियम कानून बनाए, उनको लागू करने के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई। क्योंकि कानून तो बन जाते हैं, लोग पालन नहीं करते, इसलिए सरकार का यह काम भी होता है, सरकार या राजा, आजकल सरकार है पहले राजा हुआ करते थे, कि जो भी नियम बना है उसका कड़ाई से पालन किया जाए, उनको लागू करने के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई। कार्यों को छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया और उन वर्गों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। उल्लंघन करने पर या कार्य के प्रति लापरवाही करने पर राजा ने न सिर्फ आर्थिक दंड का प्रावधान रखा बल्कि शारीरिक दंड की भी व्यवस्था की। सार्वजनिक कार्यों का राजा स्वयं अपने अधिकारियों के साथ निरीक्षण करता, अधिकारियों की देखरेख में इस कार्य को पूर्ण किया जाता। क्या राजा या अधिकारी की कठोरता का लोग विरोध नहीं करते? ज्ञानेंद्र ने उससे पूछा। नहीं, क्योंकि यह कार्य राजा का नहीं, हम सबका है। साफ सफाई रखना, समय पर कार्य करना, सार्वजनिक कार्यों में मदद करना हम सभी का कार्य है। राजा हमें साधन उपलब्ध कराता है, हम सभी इसका उपयोग करते हैं। सफाई करना और सफाई रखना सिर्फ सफाई कर्मचारी का कार्य नहीं है, हम सभी का कार्य है। जिस तरह हम सब अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही अपने नगर को रखना चाहिए। न यहाँ टूटी फूटी सड़कें हैं, न अंधेरे से ग्रसित रास्ते हैं, ना नाथालय और ना वृद्धाश्रम। है ना मजेदार बात? यहाँ अपने अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्यों को समझने वाले लोग हैं। जो सिर्फ अपने अधिकारों की चिंता करते हैं, यहाँ उनके लिए कोई स्थान नहीं होता। न खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले लोग हैं, न दवाइयों में जहर घोलने वाले हैं, न यहाँ पर आए दिन इमारतें ढहती हैं, न यहाँ के पुल धराशायी होते हैं, यहाँ की नदियाँ अपने तटबंध नहीं तोड़ती, न यहाँ के तालाब गंदे और प्रदूषित हैं, न यहाँ पर कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन व्यतीत करने वाली झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, न यहाँ पानी के पीछे सिर फूटते हैं जैसे अपने अक्सर होता है। खैर, यदि लोग अपने हिस्से का ही लें, ज़्यादा संग्रह न करें, तो सबको आवश्यकता अनुसार सब कुछ मिलेगा। जो संग्रह करेगा उसे सार्वजनिक रूप से दंड देने का प्रावधान है, अतः लोग डरते भी हैं, क्योंकि यहाँ की न्याय व्यवस्था ऐसी नहीं जो न्याय देने में 20 वर्ष लगा दिए। राम प्रसाद और ज्ञानेंद्र इस व्यवस्था से अभिभूत हो गए। सच है, ईंट पत्थर से नगर नहीं बनता, बनता है तो लोगों से। यदि वे अच्छे हैं तो नगर भी अच्छा है, और यदि वे बुरे हैं तो नगर भी बुरा है। जहाँ लोगों को अधिकार से अधिक अपने कर्तव्यों का ज्ञान होगा, जहाँ स्वयं के सुख से अधिक दूसरों के सुख की चिंता होगी, जहाँ सब एकजुट होकर कार्य करेंगे, वहाँ उन्नति होगी ही। सचमुच यह स्वर्ण नगरी महान है, और महान है यहाँ के लोग। तो बच्चों, हम भी अपने देश को बहुत सुंदर बना सकते हैं, एक स्वर्णमयी राष्ट्र बना सकते हैं। जैसे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहते थे, सिर्फ धन धान्य से बात नहीं होती, साफ सुथरे संस्कारों से पूर्ण, जब हमारे व्यवहार से प्रभावित होने वाले लोग जब खुद कहें कि हाँ भाई क्या है भारतवर्ष, तो हमें भी सबने साफ सुथरा रहना है, सफाई की ध्यान रखना है, गंदगी नहीं फैलानी है और न किसी को फैलाने देनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा राष्ट्र भी स्वर्ण नगरी जैसा हो जाएगा। तो आप बताओ मुझे कि कैसी लगी आपको यह कहानी, जरूर बताइएगा।